नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों गॉस का नियम, गॉस लॉ आपने पढ़ा था और इसमें एक दो टॉपिक आपने और पढ़े थे। एक तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि नाम दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं उनको यहाँ हम पढ़ेंगे, उसमें यूज में आती है। इसी प्रकार आपने दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, ये एक दो टॉपिक आपने पीछे पढ़े थे और इजीली आपको क्लियर हो गए होंगे। आज हम दोस्तों इस गॉस के नियम के एप्लीकेशन की फर्स्ट जो आपके ये प्रॉपर्टीज है, एप्लीकेशन है, ये हम आज पढ़ रहे हैं। इसमें ये आपको नाम दिखाई दे रहा है, समरूप आवेशित गोलीय कोष है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल सा हम ये एक गोलीय कोष ले लेते हैं, स्फेरिकल सेल है, यूनिफॉर्म चार्ज्ड है, इट मीन जो चार्ज है वो सारे के सारे एक जैसे हैं, ठीक है। यू इक्वल्स टू एनी, तो एनी इक्वल्स टू, यदि फाइव है तो सभी के सभी फाइव वाले हैं, क्लियर। तो अंदर से ये होलो है तो चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, और इसकी जो रेडियस है दोस्तों ये फिक्स है, रेडियस को हम कैपिटल आर ही लेते हैं। थ्योरेटिकल जो भी बातें हैं दोस्तों, वो जितनी बुक देखोगे उन सब में अलग अलग मिलेंगी, मैं आपको बताऊंगा वो भी अलग हो सकती हैं, और कोई सर बताएंगे वो अलग, लेकिन उन सब का जो मीन है, उन सब का जो अर्थ है, ठीक है, वो सबका सेम ही होता है। तो जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है, कोई भी टॉपिक की बात करें तो अंतोगत्वा हमको ये समझ में आना चाहिए। इन ऑन वर्ड आप इजीली लिख सकते हो, मैथमेटिकल है वो सेम सा रहता है, उसको मैं आपको समझा दूंगा, प्रयास करें, नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, वो आप इजीली देख के लिख सकते हो। तो समझने का प्रयास करें दोस्तों तो बेटर है। तो हमने ये एक चार्ज स्फेरिकल सेल ले लेते हैं, ठीक है, एक गोलीय कोष है, आवेशित है, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और इसके सेंटर से और स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ हमने एक पॉइंट पी ले लिया। ये बार बार ले रहे हैं, पीछे जितने भी टॉपिक थे सब में यही है कि वी टेक द आर डिस्टेंस वन पॉइंट पी एंड आल्सो वी टेक ए टेस्टिंग चार्ज वन पॉइंट पी, इस बिंदु पी पर हम एक टेस्टिंग चार्ज ले लेते हैं, और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी हियर अज्यूम ए गॉसियन क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। इस गॉसियन क्लोज सरफेस में से जब ये चार्ज यू मूव करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड आल्सो यूज द गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर एंड जो एरिया है वो ds वेक्टर या dA वेक्टर, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। तो here we take the three situation. First situation हम ये ले लेते हैं कि ये जो point P है, जिस पर ये testing charge हम ले रहे हैं, ये outside है, कि जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर हो, ठीक है, when point P outside of spherical cell, या आप इसको यूनिफॉर्म चार्ज भी कह सकते हो, spherical cell। इसमें दोस्तों आप देख रहे हो ये जो कैपिटल R की वैल्यू है ये इज ग्रेटर देन और कंपेयर टू स्मॉल R, कंपेयर टू स्मॉल आर, क्लियर, कंपेयर टू स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। तो जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन है कैपिटल आर के कंपेयर, कैपिटल आर रेडियस है। तो इस डायग्राम के बारे में आई होप आप इजीली लिख सकते हो, इसमें सिंपल सा आप क्या लिखोगे कि फर्स्ट सबसे पहले हिंदी में बता देता हूँ फिर इंग्लिश में, दोनों में अपन क्लियर कर लेते हैं। हमने एक समरूप आवेश गोलीय कोष लिया, ठीक है, जिस पर आवेश है वो उसके बाह्यतम भाग या उसके पृष्ठ पर स्थित है, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है।
इसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो इस पर एक हम परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर या dA वेक्टर लेते हैं। ठीक है, इन ऑन व्हेन वी, और अब इसको आप इंग्लिश में ले लें तो ये भी क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट वी टेक ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल व्हिच रेडियस इज कैपिटल R एंड द चार्जेस अराउंड टू द सरफेस। ठीक है, बिकॉज दिस स्फेरिकल सेल इज होलो, देन देयर इज नो चार्ज इनसाइड, सो वी टेक द पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन R, so to calculate we assume a Gaussian surface around the point P and take the it's also assume testing charge Q naught. So the electric field intensity E vector, ठीक है, perpendicular along the direction of OP line, it mean R distance, and the area ds vector. So the electric flux E vector dot ds vector, you know very well. So here we make the electric flux type formula, and we take the three situations. First situation, when point P outside to the spherical cell, small r is greater than capital R, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। ठीक है, और भी अच्छी लैंग्वेज आपको, और भी अदर लैंग्वेज आपको मिल जाएंगी, अर्थ यही निकल गया आएगा। तो इसमें दोस्तों गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, तो गॉस का नियम की एप्लीकेशन सबसे पहले, तो गॉस का फॉर्मूला फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई ई या फाई ले सकते हो, फाई मीन यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, गॉस के नियम से यहां आप लिख सकते हो यूजिंग गॉस लो, गॉस के नियम से फाई ई, दोस्तों आप जानते हो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और सिग्मा क्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हियर वी बी टेक सिग्मा क्यू इक्वल्स टू क्यू, क्यू द सम ऑफ टोटल चार्ज, एंड टोटल चार्ज यूनिफॉर्म सेम, ठीक है, या जाएगा नाउ द स्केलर प्रोडक्ट, सो यू कैन राइट क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड थीटा इक्वल्स टू जीरो, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, सो थीटा इक्वल्स टू जीरो, नाउ कॉस जीरो इक्वल्स टू वन, सो ई डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरल है। फिर उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस E को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल ds है ये आप जानते हो क्या है, ये वाला जो गाउसियन जो हमने एरिया लिया है इसका, ठीक है, गाउसियन जो सरफेस लिया है इसका एरिया है, यानी गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस, एंड यू नो वेरी वेल इट्स बिकम 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो गाउसियन जो आपने सरफेस लिया है ये एक तरह से स्फेयर है, तो इस स्फेयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो ये हो जाता है दोस्तों e इनटू 4 पाई r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, then E equals to ये हो जाएगा दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू R स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ले सकते हो, तो KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों R स्क्वायर। So here we take the first condition, E outside या E बाहर, आंसर आ गया KQ अपॉन R square. K and Q are constant quantities, so E outside electric field intensity is inversely square of radius.
यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, रेडियस तो नहीं हम कह सकते, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो जाता है आपके आउटसाइड। इसी तरह से हम सरफेस लें तो ये यही सेम लैंग्वेज फिर से आ जाएगी, जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर हो, बाहर की बजाय क्या आ जाएगा के सतह पर, के कहां हो जाएगा सतह पर। When the point P outside की जगह दोस्तों आ जाएगा सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, एंड हेयर वी टेक आल्सो अदर कंडीशन बी। तो जब बिंदु P गोले के सतह पर हो, when the point P surface to the spherical cell, तो इस अवस्था में दोस्तों ये जो point P है ये यहाँ की बजाय इस पर आ गया, surface पर आ गया, तो surface पर आ गया, तो small r और capital R दोनों के दोनों equal हो जाएंगे, दोनों के दोनों equal हो जाएंगे दोस्तों, clear I think, क्यों? तो ये पूरा का पूरा यदि आप चाहो तो फिर से कर सकते हो, बस यहाँ लास्ट में स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा कैपिटल आर, तो ये आप चाहे पूरा का पूरा लिख सकते हो, अदरवाइज मैं डायरेक्ट यहाँ इसका आंसर, तो आप एग्जाम में भी इसको फिर से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो ई सरफेस इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, ये स्मॉल आर है वो कैपिटल आर स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों आपके जो है थर्ड जो कंडीशन उसमें यही लाइन आप फिर से लिख लेना, जब बिंदु P गोलीय कोष के सतह की बजाय क्या लिख लेना अंदर स्थित हो, तो इसको मैं लिख देता हूं व्हेन पॉइंट P inside of spherical cell, जब बिंदु P गोलीय जो गोलीय कोष है उसके अंदर स्थित हो इस अवस्था में दोस्तों स्मॉल r यानी यहां से आपके ये पॉइंट P हो, इन ये अदर सिचुएशन में ये स्मॉल r यहाँ हो, यहाँ मान लीजिए फर्स्ट सिचुएशन है, यहाँ P2 ये थर्ड सेकंड सिचुएशन है, और ये P3 थर्ड सिचुएशन है, तो यहाँ यदि हो तो दोस्तों वही फॉर्मूला है phi equals to sigma q upon epsilon not, और सिग्मा q इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो वो आउटसाइड कहाँ जाएंगे, क्योंकि गॉसियन सरफेस केवल इतना इतना बनेगा इसके पॉइंट्स के चारों ओर, तो सिग्मा क्यू इक्वल्स टू जीरो, सो ई इनसाइड इक्वल्स टू आल्सो जीरो, ई इनसाइड, तो कहने का अर्थ ये है स्फेरिकल सेल है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, क्लियर सिंपल है। तो इसमें यदि हम ये जितने भी आपने आंसर लिखे हैं और इन सभी आंसर के आधार पर इन द बेस ऑफ आंसर यदि हम इसमें ग्राफ लें सिंपल सा, किस किस में, ये आपके डिस्टेंस आर और ये वाई एक्स में हम ले लेते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द स्मॉल आर एंड E, यानी यदि हम दूरी और विद्युत क्षेत्र के मध्य ग्राफ लें, और थोड़ा समझने के लिए ये मान लीजिए हमने एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, एक आवेशित गोलीय कोष ले लिया, और ये आपके दोस्तों आवेश हैं, ठीक है, आउटसाइड इस तरह से हम ले लेते हैं। अब ये वाला दोस्तों यहां क्या है R इक्वल टू जीरो, क्लियर है, ये वाला जो पॉइंट है ये है R equals to capital R, और R equals to capital R, और ये R is greater than R, और ये है R is less than capital R, कहने का दोस्तों ये इनसाइड है, ये सरफेस है और ये आउटसाइड है, क्लियर है।
अब बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो अभी यहां लिखा था E outside inversely R square, यानी E और R square में यूं इनवर्सली आपके ग्राफ हो जाएगा यूं। तो ये दोस्तों E outside है, ये हाइपरबोलिक कर्व बन जाता है, अति परवलयाकार। E का मान ज्यादा होगा तो R का मान कम होगा, E is high then R is low, ये आप जानते हो इनवर्सली है। ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों ये है E सरफेस और ये होता है E प्रोपोर्शनल कैपिटल R स्क्वायर। ये वाला ये कैपिटल R है नहीं, बना है, स्मॉल R इक्वल्स टू कैपिटल R, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो दोस्तों ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि E आउटसाइड, E सरफेस और E इनसाइड, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम कहां होगी, उसके सरफेस पर, और इनसाइड दोस्तों क्या है, कुछ नहीं है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। नो ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ई और आर के बीच में कोई ग्राफ नहीं होगा। आई थिंक क्लियर। इसी प्रकार चाहे तो थोड़ा सा आप बनाएं, तो ये माइनस आर ले लीजिए, इधर प्लस है तो, और ये इस तरह से इधर भी बन सकता है, ये इधर माइनस आर, ठीक है, कंपेयर टू प्लस देन वी टेक माइनस आर। तो ये ग्राफ भी पूछ लेते हैं आपके एक नंबर का, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यदि समझ में आया है, अच्छा लगा है तो शेयर करें, इसी तरह से वीडियो और रेगुलर देखते रहें तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।